हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के एक और नए एपिसोड में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा लेनोवो K8 प्लस में जो कैश मेमोरी होता है उसको आप कैसे क्लीन कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरा चीज़ को समझ लीजिए और उसके बाद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं रिकवरी मोड को ऑन करूँगा और आपके एक गलती आपके पूरे फ़ोन को फॉर्मेट कर सकता है, रीसेट कर सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जो जो चीज़ मैं करूँगा उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैश मेमोरी को क्लीन करने से क्या फायदा होता है। देखिए, कैश मेमोरी को क्लीन करने से ना ही आपका फोन बहुत फास्ट हो जाता है और ना ही कोई भी डेटा डिलीट होता है। अगर आपके फोन में कोई भी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो कैश मेमोरी को क्लीन करने से वो जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाता है। तो अगर आपके K8 प्लस में कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हो। तो जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा। पावर बटन को दबा के रखिए और इसको पावर ऑफ कर दीजिए। और जब फोन स्विच ऑफ हो जाएगा तब पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को आपको एक साथ दबाना होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो पावर बटन है और जो वॉल्यूम डाउन बटन है उसको आपको एक साथ प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा जितना देर तक स्क्रीन में कुछ आता है। और थोड़ी देर बाद आपके स्क्रीन में कुछ इस टाइप का इमेजेस देखने को मिल जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, जो पावर बटन है उसके पास में आपको ऑप्शन का नाम दिखाई देगा और जो वॉल्यूम बटन है उसमें आपको दो एरो दिखाई देगा। मतलब जो वॉल्यूम बटन है उसके हेल्प से जो ऑप्शन है उसको आप चेंज कर पाएंगे और जो पावर बटन है उससे जो ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अभी आपको वॉल्यूम बटन को दबा के आपको सिलेक्ट करना है रिकवरी मोड और उसके बाद आपको पावर बटन को दबाना होगा। और इसके बाद आपके स्क्रीन में कुछ इस टाइप का आइकॉन दिखाई देगा। अभी आपको वॉल्यूम अप बटन और जो पावर बटन है इसको एक साथ दबाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो वॉल्यूम अप बटन है और जो पावर बटन है इसको आपको एक साथ दबाना है। दबा के नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको एक साथ इसको दबाना है और इसके बाद रिकवरी मोड ऑन हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस टाइप का मेनू दिखाई देगा। और इसमें भी आपको जो वॉल्यूम बटन है इसके हेल्प से जो ऑप्शन है इसको आपको चेंज करना होगा और पावर बटन से आपको जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, वाइप कैश पार्टीशन। तो वॉल्यूम बटन के हेल्प से जो ऑप्शन है उसको आपको चेंज करना होगा और जब भी ये ऑप्शन पे आ जाएगा तो जो पावर बटन है इसको आपको दबाना होगा और इसके बाद आपको इसको कॉन्फर्म करना पड़ेगा। तो येस में लेके आइए ऑप्शन को और उसके बाद पावर बटन को दबा दीजिए। और कुछ ही सेकंड में आपका जो कैश मेमोरी है वो क्लीन हो जाएगा और आपके सामने फिर से रिकवरी मोड का मेनू आ जाएगा। तो अभी आप जो पहला ऑप्शन है रिबूट सिस्टम नाउ, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और पावर बटन को दबा दीजिए। तो इसके बाद आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा और वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। और कैश मेमोरी को क्लीन करने से आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है, लेकिन अगर आप गलती से फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका पूरा फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो वाइप कैश पार्टीशन है उसमें ही आपको सिलेक्ट करना है। तो इसी तरीके से आप लेनोवो K8 प्लस या फिर K8 नोट पे जो कैश मेमोरी है उसको आप क्लीन कर सकते हो। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सजेशन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।